वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघव आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, हमने काफी प्रॉक्सीज यूज की है, काफी प्रॉक्सीज लगाई है और हमने कार्य वारे सब कुछ उसी तरीके से लगाने की कोशिश की है, सारी चीजें हमने प्लेस की है। ओके ये हमारे ट्रीज है जिनकी हमने प्रॉक्सीज बनाई है और प्लेस किया है, और ये भी हमारा ट्री है जिसको मैंने प्रॉक्सी बनाकर दिखाया था, और ये हमारे पाम ट्रीज है जो हमने प्रॉक्सी बना के लगाए हैं। एक और चीज, जैसे अगर सपोज मैंने ये प्रॉक्सी बना दिया है लेकिन अब मेरे पास मेरा बेस मैश नहीं है, बेसिक मैश नहीं है यहाँ पर, तो मुझे प्रॉक्सी ही दिखाई देता है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका मैश मिल जाए। ओके तो वेरी सिंपल वे है आपके पास, आप यहाँ पे आकर इंपोर्ट एज अ मैश कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आप प्रॉक्सी के रोल आउट में नीचे जाएंगे। ओके रोल आउट में नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एज अ मैश। जैसे ही आप इंपोर्ट एज अ मैश पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया इंपोर्ट एज मैश क्लिक, ठीक है, तो आपका मॉडल इंपोर्ट हो जाता है। मॉडल जो है इंपोर्ट होना है वो आपके 000 एक्सेस पे इंपोर्ट होगा, चाहे आपकी इसकी पोजीशन कुछ भी हो। सिलेक्ट करें, देखिए 000, और इस पर जो भी मटेरियल्स असाइन है वो इस पर नहीं आएंगे, वो एक सिंगल कलर में आएगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा एक सिंगल कलर में आया है जबकि ये आपके पूरे मटेरियल्स के साथ था। इसे हम रेंडर करके देख सकते हैं, हल्का सा शिफ्ट क्यू क्विक रेंडर, ये आपका एक सिंपल कलर पे आएगा जबकि इसमें आपको ग्रीन एंड बार्क इसके तने का मटेरियल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इट्स सिंपल कि आपको क्या करना है, मैश तो आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास एडिटेबल पॉली, यहाँ पर आपको एडिटेबल पॉली वगैरह सारे ऑप्शन मिल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, जबकि प्रॉक्सी में नहीं मिल रहे थे। तो इसमें आपको चीजें तो सारी मिल रही है, इसमें चीजें तो सारी मिल रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है मटेरियल की। तो वही सिंपल वे है, आपको जाना है अपने मटेरियल एडिटर में, आपको यहाँ से मटेरियल एडिटर ओपन करना है। मटेरियल एडिटर ओपन, यहाँ पर आपको मटेरियल पिक करना है, किसका, पेड़ का, प्रॉक्सी से आप पिक कर सकते हैं इजीली। ये स्लॉट आपके पिक हो गए मल्टी सब, और इस मल्टी सब को असाइन करना है इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और असाइन दीजिए, हो गया। अब लास्ट चैप्टर में हमने जो प्रॉक्सी बनाई थी एक्सपोर्ट किया था एज अ मैश सिंगल ऑब्जेक्ट में अटैच करके, उससे फायदा ये है कि आपको मटेरियल एडिटर में सारे मटेरियल सिंगल अटैचमेंट के साथ मिलेंगे। सपोज अगर इसे मैंने अटैच ना किया होता और इनके जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो इन सबके मटेरियल स्लॉट भी मेरे को अलग अलग इंपोर्ट करने पड़ते हैं, देन अलग अलग को आपस में जोड़ना पड़ता, और जो मेरा ट्री आता इंपोर्ट होकर एज अ मैश, वो तना यहाँ आता, ऊपर का एलिमेंट जो ये एलिमेंट अलग है ये भी यहाँ नीचे जीरो पर ही आता, ये भी जीरो पर ही आता, हर पार्ट 00 एक्सिस पे आता, तो मेरा मॉडल जो है वो टूट जाता और मुझे कम्प्लीटली एक सिंगल ऑब्जेक्ट परफेक्टली नहीं मिलता जैसा कि अभी ये मिला है। किस तरीके से मिला है मुझे, इम्पोर्ट एज अ मैश करने पर। ठीक है, तो सिंपल मैंने ये सारी प्रॉक्सीज लगा दी है। ठीक है, ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी हम एक पर्सपेक्टिव व्यू रेंडर करते हैं। ठीक है, हमने एक कैमरा ले लेते हैं जो हमें लगाना है, हम ये कैमरा लेते हैं। ठीक है, ओके कंट्रोल सी, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सी हमने किया, हमारा ये कैमरा वन लग चुका है। अब बेसिकली क्या है कि जैसे हम कंट्रोल सी करते हैं तो सेलेक्ट कैमरा आप कीजिए, आप देखेंगे ये आपका एक बेसिक टारगेट कैमरा क्रिएट हुआ है। ठीक है, और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से आप चाहते थे कि वीरे कैमरा क्रिएट हो। ठीक है, एच सेलेक्ट बाय नेम कैमरा, यह हमारे पास स्टैंडर्ड कैमरा है।
ओके आप आ गए पर्सपेक्टिव व्यू में, पी फॉर पर्सपेक्टिव व्यू, आपने व्यूपोर्ट को रोटेट किया, ठीक है। शिफ्ट जी एक बार ज्योमेट्री को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि स्पीडली वर्किंग हो सके, मुझे मेरे ऑब्जेक्ट्स और मार्कर्स और स्प्लाइंस दिख रही है इजीली। तो आ गए हम इधर, जेड फॉर जूम सिलेक्टेड, कैमरा हमने ले रखा है अभी बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड कैमरा, इसकी जगह हम चाहते हैं हमारा फिजिकल कैमरा क्रिएट हो, ठीक है। तो आपको जाना है कैमराज में, आपको जाना है क्रिएट कैमरा स्टैंडर्ड की जगह वीरे, और यहां से लेना है फिजिकल कैमरा। ओके आपको सिंपली व्यूपोर्ट पे क्लिक एंड ड्रैग करना है, ये आपका फिजिकल कैमरा क्रिएट हो गया, ठीक है। शिफ्ट जी अगेन ज्योमेट्री को हाइड करने के लिए, क्योंकि कैमरा क्रिएट करते ही आपकी ज्योमेट्रीज शो हो गई थी। ओके तो आपको वापस से हाइड करने के लिए शिफ्ट जी करना होगा। अब जो कि मेरा ये कैमरा है, ये एंगल मैंने डिसाइड किया था, अब यही एंगल मेरे को अपने फिजिकल कैमरे का चाहिए। तो इस सिंपल कि हम इस कैमरे को पकड़कर, हमारे पास ऊपर टूल होता है अलाइन, जिसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट ए, आप अलाइन टूल पे जा सकते हैं अलाइन, और सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे बेस कैमरे पर, आपको एक्स वाई जी ऑन रखना है, पाइवेट टू पाइवेट एंड ओके। आपको इस कैमरे का टारगेट सेलेक्ट करना है, अगेन अलाइन ऑल्ट ए जिसकी शॉर्ट की है अलाइन ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो फिजिकल कैमरा है वो आपके बेसिक कैमरे से बराबर ही अलाइन है। सी आपने सेलेक्ट किया वीरे कैमरा, ओके। अब आपको ये जो व्यू मिल रहा है, ये व्यू कहां से मिल रहा है, ये आपको व्यू मिल रहा है वीरे फिजिकल कैमरे से, ओके ठीक है। वीरे फिजिकल कैमरा आ गया, शिफ्ट जी अनहाइड ऑल ज्योमेट्रीज के लिए, एंड रेंडर सेटिंग हम चेक कर लेते हैं F10 में, ठीक है। रेंडर सेटिंग में हम देखें हमारा नीचे असाइन रेंडर, यहाँ पर वीरे सेलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वीरे एडवांस है। रेंडरिंग में यहाँ हमें सारी सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है, हम इसे चेंज करेंगे। एक बार हम एक बार बेसिक रेंडर करके देख लेते हैं, ये रहा हमारा रेंडर, प्रोडक्शन रेंडर, क्विक रेंडर जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट क्यू, ओके। रेंडर सेटिंग में फ्रेम साइज जरूर देख लेते हैं, फ्रेम साइज यहाँ पे 3000 है, मैं इसे थोड़ी छोटी ही फ्रेम साइज लेना चाहूंगा, 800x450, ठीक है। हिट मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा और कुछ देर के लिए पॉज करूंगा जब तक रेंडर हो नहीं जाता, ठीक है। रेंडर एंड रेंडर विंडो आ गई, ओके। अभी विदाउट लाइट विदाउट रेंडर सेटिंग्स के बगैर कुछ किए फिजिकल कैमरे में जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली हमारा ये आ रहा है, इट्स कंप्लीटली डार्क और बगैर इमेज सैम्पलिंग के, ठीक है। एक और प्रॉब्लम, अभी जो रेंडर आ रहा है वो आ रहा है फ्रेम बफर पर, ठीक है। मैं एक्चुअली फ्रेम बफर को सजेस्ट नहीं करता, मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी कहा है, हालांकि बहुत अच्छा टूल है, इसका मैं ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं करता, मुझे पता नहीं पसंद नहीं है। तो हम सिंपली ऑटो सेव पर चल रही है फाइल, ओके ऑटो सेव ओके। तो फ्रेम बफर मैं यूज नहीं करता, उसके लिए हम जाएंगे वीरे वीरे फ्रेम बफर, अनेबल बिल्ड इन फ्रेम बफर ऑफ, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूं, आप अगर अपनी लास्ट फ्रेम को देखना चाहते हैं व्यूपोर्ट पर, ठीक है, कि आपने क्या लास्ट रेंडर किया था, तो यहाँ आपके पास ये एक टूल मिलता है, ठीक है, जिससे आप लास्ट रेंडर विंडो को देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप सिर्फ इस लास्ट विंडो को देख सकते हैं, आपकी फ्रेम बफर को नहीं देख सकते। तो उसके लिए यहाँ आपके पास फ्रेम बफर में वीरे में फ्रेम बफर में ऑप्शन होता है शो लास्ट वीरे फ्रेम बफर, ठीक है, और ये फ्रेम बफर आपका ओपन हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेम बफर हमें यूज करना ही नहीं है, हम इसे डिसेबल करते हैं, ओके। विदाउट फ्रेम बफर हम वर्क करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज हमारी ठीक है, फ्रेम बफर हमने ऑफ किया है। फिल्टर्स, यहाँ कुछ फिल्टर्स होते हैं, इन फिल्टर्स को समझना बहुत सिंपल है, मैं बड़े शॉर्ट में बताऊंगा, मैं वीरे रेंडर सेटिंग्स का एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको बेसिक बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ,
वीरे फिल्टर के बारे में लिखा है, कंप्यूट्स एंटी एलियासिंग यूजिंग अ वेरिएबल साइज एरिया फिल्टर। मतलब जो आपकी इमेज बनेगी, बेसिकली अगर मैं एक बात कहूँ इमेज बनने का, तो बेसिकली ये आपका 1 पिक्सल है, तो इमेज जो बन रही है वो आपके वेरिएबल पिक्सल्स, ठीक है, वेरिएबल एंटी एलियासिंग वेरिएबल पिक्सल्स से मिल मिलकर ये आपकी फाइल बन रही है। तो इसमें बेसिकली शार्पनेस और एजेस की जो कंट्रास्ट है वो भी आपको वेरी करती है, ठीक है। तो एरिया बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। इसे मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर 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 ऑल, ठीक है। दूसरा क्लियर ऑल एंड ऑफ ग्रो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इन सबको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक का मतलब क्या है। शार्प 9 पिक्सल्स, सॉफ्ट टर्न, गॉशियन सॉफ्ट टर्न के साथ, बॉक्स, वीरे इम्प्लीमेंटेशन और मिशेल बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब चीजों को मैं समझाऊंगा रेंडर सेटिंग्स में, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ, मैं एक मिशेल यूज कर रहा हूँ। मिशेल बेसिकली 2 पैरामीटर फिल्टर्स हैं, ये बेसिकली आपके बर्निंग इफेक्ट्स, ठीक है, जो आपका बर्निंग इफेक्ट है, बर्निंग इफेक्ट को ऑफ करता है, ठीक है। और आपका एंटीस्ट्रोपिक, मतलब एंटीस्ट्रोपिक का मतलब अगर आप समझना चाहें मटेरियल में, आप बेसिक देखिए, अभी आपका ब्लीन शेडर है, ठीक है। आप जब देखते हैं ब्लीन शेडर में आपके पास सिंगल स्पेकुलर मिलता है, और जैसे ही आप एंटीस्ट्रोपिक लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो स्पेकुलर मिलता है वो ठीक है, लेकिन इसमें एंटीस्ट्रोपिक लेवल भी मिलता है, ये साइड में जो आपको अलग से हो जा रहा है, दिख रहा है आपको, और ब्लीन रहता तो ये सिंपली एक एक्सिस में आपको शाइननेस मिलती, ठीक है। तो एंटीस्ट्रोपिक पैरामीटर मिलेगा आपको, और बर्ननेस को आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ मिशेल, ताकि इमेज जो मेरी बने, फाइनल रेंडर जो बने मेरा, जो इमेज बने फाइनल रेंडर की, वो अच्छी और सॉफ्ट और शाइनी हो, ठीक है। तो मिशेल हमने यूज किया है, ठीक है। बाकी किसी सेटिंग्स को मैं नहीं छेड़ना चाहता, जो स्टैंडर्ड आपकी रहती है वही रहेगी। यहाँ पर आपको बेसिक की जगह एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप इस पर सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सिर्फ एडवांस आता है, अगेन लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक्सपर्ट आता है, लेकिन ये सिर्फ इसमें आया है। आप अगर इसके दूसरे और टूल्स देखना चाहोगे तो उनमें एक्सपर्ट नहीं हुआ है, वो बेसिक ही है, ठीक है। तो आप किसी भी एक पर, इनमें से किसी भी एक पर राइट क्लिक करके, ठीक है, इनमें से किसी भी एक पर, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, ये बेसिक, किसी भी एक पर राइट क्लिक करके स्विच ऑल टू एक्सपर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हर जगह, हर सेटिंग में आपके एक्सपर्ट आ गए, एक्सपर्ट में आपको मैक्सिमम टूल्स मिलेंगे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक्सपर्ट में हमने ऑन करना है अनेबल जीआई, वीरे में हमने कुछ भी नहीं चेंज किया था, सिर्फ और सिर्फ मिशेल यूज किया था, ठीक है। और अब हमें जीआई में अनेबल करना है। फर्स्ट प्राइमरी बाउंस हमारा इरेडियंस रहेगा, सेकेंडरी बाउंस हम रखेंगे लाइट कैश। क्यों रखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या बला है, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम रेंडर सेटिंग्स में पढ़ेंगे, हर चीज डिटेल में, ओके। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमने इरेडियंस से लाइट कैश रखना है, ओके। इरेडियंस फिलहाल हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी हाई वैल्यू है, इस हाई वैल्यू में हमें काम करने में दिक्कत आएगी, सैंपल रेंडर्स देखने में दिक्कत आएगी, तो इसे हम ले लेते हैं वेरी लो, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अभी देखना चाह रहे हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है। और नीचे हमें मिलता है लाइट कैश, लाइट कैश में सब डिवीजन बहुत ज्यादा है, तो इसे हम कर देंगे बहुत मिनिमम 120, ओके, ताकि रेंडर में अननेसेसरी टाइम ना लगे। सेटिंग्स, सेटिंग्स में हम किसी भी चीजों को नहीं छेड़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी लिमिट दे रखी है 4000, दैट मीन्स ओनली फॉर 4 GB, लेकिन मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रोसेसर्स परफॉर्मेंस 32 GB इंस्टॉल्ड मेमोरी है टोटल, ठीक है, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ 4 GB यूज करें, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम रैम यूज करें जितनी इसे मिल सके, तो इसे हम रखेंगे 0। 0 का मतलब होता है कि हम इसे डिफाइन नहीं कर रहे कि इसे कितनी रैम यूज करनी है डायनेमिकली मेमोरी के लिए, ठीक है, कितनी डायनेमिक मेमोरी यूज करनी है, हम इसे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे, वीरे अपने लेवल पर मैक्सिमम यूज करेगा, ठीक है। एक छोटी सी सेटिंग है मैक्सिमम ट्री डेप्थ, ठीक है, ये ट्री डेप्थ बेसिकली वीरे के सिस्टम की डेप्थ है,
वीरे के सिस्टम को जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा बेसिकली टी डेफ्थ क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे लेते हैं 100 मैक्सिमम, ये उससे ज्यादा नहीं जाता, 100% ही जाता, ये आप मान लीजिए परसेंटेज में है। ये मतलब हो गया वीरे अपने सिस्टम को 100% यूज करेगा, ठीक है ओके। और बाकी सारी चीजें आप एज इट इज रहने दीजिए। ये मैसेज लॉग विंडो है, ये जो आपके पास इधर खुल जाती है इसे हम ऑन रखेंगे ताकि एक बार को तो हमें पता चले कि ये कितनी चीजें क्या कर रहा है, कितना वर्क ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, या फिर कोई एरर हो तो हमें यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग है हमारी। एक बार इन बेसिक सेटिंग के साथ हम वापस एक बार रेंडर करते हैं, और जब तक रेंडर कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं स्क्रीन को पॉज ही रखूंगा ओके। रेंडर एंड ओके आफ्टर रेंडरिंग, ठीक है। रेंडर टाइम लिया है इसने 13 सेकेंड, इसने लिया है 13 सेकेंड रेंडर टाइम। आफ्टर 13 सेकेंड हमारे पास जो रेंडर आउटपुट आया है वो आया कंप्लीटली ब्लैक ओके। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने रेंडर सेटिंग्स में ऑन की है GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं है ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली अब हमें करना है, टॉप व्यू में आ जाते हैं हम, टॉप व्यू, इस विंडो को एक बार क्लोज करते हैं, जूम आउट। सिंपली हमें क्रिएट करना है एक वीरे सन ओके। वीरे सन लाइट क्रिएट करेंगे, वीरे वीरे सन, क्योंकि हम एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो एक्सटीरियर में ऑब्वियसली हमें क्रिएट करना लाइट, यहां से हमने ली थी वीरे, और सॉरी वीरे एंड सेलेक्ट किया वीरे सन ओके। हम क्रिएट करते हैं वीरे सन ओके। ये ओके वीरे सन हमने लिया, हम क्रिएट करते हैं वीरे सन, करीब इस डायरेक्शन से मेरा सन आएगा और ये है मेरे सन का टारगेट, ठीक है ओके okay. ये जैसे ही हम क्रिएट करते हैं ये कहता है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली एड अ वीरे स्काई एनवायरमेंट मैप, ठीक है। तो इसको आप एक बार को तो यस कर सकते हैं, कर लीजिए ओके यस, क्योंकि इसको हैंडल करना भी मैं बताऊंगा बेसिकली। और आपको कभी मैं एक कंप्लीट वीरे सन और वीरे स्काई का एक रिग बनाना भी बताऊंगा। सो आप ठीक है, हमने स्काई क्रिएट किया ऑटोमेटिकली जो इसने कहा, और हमने एक सन क्रिएट किया। जो आपने स्काई क्रिएट किया वो बेसिकली आपको इन्वायरमेंट पर जाकर अटैच हुआ है। सिंपली आप इन्वायरमेंट को देख सकते हैं आपके रेंडरिंग में, रेंडरिंग में इन्वायरमेंट, या फिर इसकी शॉर्ट की 8 है। इन्वायरमेंट पे आप आए, देखिए इधर आपको दिख जाएगा वीरे स्काई, ठीक है। तो ये यहाँ पर एड हो चुका, सन आपका सिलेक्टेड है। आप फ्रंट व्यू में आइए, सन अभी बहुत डाउन है, ठीक है। इस सन का हॉरिजॉन लेवल जी में आप देखेंगे तो अभी एकदम जीरो है, ठीक है। आप देखिए जी में एकदम जीरो है, ठीक है ओके। पर्सपेक्टिव समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसकी हाइट का बहुत फर्क पड़ता है आपके आउटपुट पर ओके। कैमरा व्यू सी आ जा, काफी हैंग हो रहा है मेरे सी, ठीक है। एक बार फिर से मैं जीरो एक्सिस पर, जो मेरी लाइट है, ये हमारे पास लाइट लिसनर मिलता है, यहाँ पर हमें ये लाइट लिसनर मिलता है, या फिर आप टूल्स में जाकर वे लाइट लिसनर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइट में मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ सिंपल बॉक्स पे क्लिक करके, मेरी लाइट सेलेक्ट हो गई ओके। यहाँ देख सकते हैं आप लाइट की वैल्यू अभी जी एक्सिस में जीरो है, ठीक है। जी एक्सिस में क्या है, जीरो लाइट की वैल्यू, ठीक है। इस जीरो वैल्यू पे मैं एक बार रेंडर करूंगा, फिर से पॉज करूंगा, रेंडर एंड पॉज ओके। आफ्टर 21 सेकेंड रेंडर, आफ्टर 21 सेकेंड रेंडर के हमें इस टाइप का आउटपुट मिलता है। जस्ट सपोज आपका सन राइजिंग का टाइम है, सूरज उगाई है, और वैसा आपको फील मिल रहा है। ये हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन के एकदम टच होता हुआ, ठीक है। अब आप जाते हैं अगेन फ्रंट व्यू पर ओके, सेलेक्ट योर सन एंड मूव अ बिट। जस्ट सपोज कि आपकी अभी सुबह की 9 बजी है, ठीक है। नाउ सेलेक्ट कैमरा सी, इस हाइट का आइडिया आपको वीएसएन पे काम करते करते लग जाएगा, ठीक है। अब 9 बजे का आउटपुट है, अब फिर से मैं रेंडर करना चाहूंगा, मैंने कोई सेटिंग्स नहीं छेड़ी है, मैंने कोई वैल्यूज नहीं छेड़ी है। अब 9 बजे के टाइम के अकॉर्डिंग मैं रेंडर देखना चाहता हूं, अगेन रेंडर एंड पॉज,
स्टार्ट हो जा, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, ओ सॉरी रेंडर, ओके स्टार्ट, पॉज, रिज्यूम, ओके अगेन देखिए 30 सेकंड का रेंडर हुआ है, ये रेंडर टाइम हो गया है 30 सेकंड का, और इस बार हमारे पास जो आउटपुट आया कुछ इस तरीके का आया, ठीक है। करीब करीब आपके शेडोज बनने लगी है, येलो पेल येलो इफेक्ट है, स्काई भी थोड़ा सा ब्राइट हुआ है, तो ओवरऑल टाइम के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट चेंज हुआ है। अब हम जाते हैं बेसिकली फिर से जो हमारी लाइट सेलेक्ट है इसकी और हाइट बढ़ाते हैं, पी फॉर पर्सपेक्टिव, जूम आउट, और जस्ट सपोज आपने इसकी हाइट दे दी है 11 से 12 बजे के आसपास, ठीक है। नाउ सी फॉर कैमरा अगेन एंड अगेन रेंडर, इस बार मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, 20 से 30 सेकंड का रेंडर है, 30 सेकंड तो मैं आपको बोल बोल के पका दूंगा। अब देखिए बेसिकली जैसे ही आपका सन और हाइट पे गया आपकी व्हाइट टोन आ गई, आपकी ब्राइटनेस बढ़ गई, सन बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गया, आउटपुट बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट आ गया, स्काई भी आपका ब्लूइश हो गया, वो सारा फील चला गया जो एक अर्ली मॉर्निंग का पहले आ रहा था। ओके तो आई थिंक इस चैप्टर में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा पाया लाइटिंग का, जो कि हम विरे सन और विरे स्काई से यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम और बहुत से तरीकों से काम करते हैं लेकिन हम इसी तरीके से एक अच्छा आउटपुट निकालेंगे। ओके तो इस चैप्टर में इतना ही, एक्चुअली काफी बड़ा वीडियो हो चुका है, 20-22 मिनट का हो चुका है, इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लाइट की और वैल्यूज एंड कैमरा की सेटिंग्स देखेंगे ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा और अच्छे से आए, थोड़ा रियलिस्टिक आए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और वीडियो को शेयर भी कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, सो दैट जो बंदे बहुत डेडिकेटेड होकर काम करना चाहते हैं करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ज्यादा फीस कहीं बड़े इंस्टीट्यूट्स में या किसी बड़े फैकल्टी को पे नहीं कर सकते, तो उनको फायदा हो सके। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टॉप।